यार रिएक्ट असल में भला क्या है जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, और ये प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप से कैसे मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे तीन फोल्डर है, एक तो जावास्क्रिप्ट है जिसमें हमने पूरी जावास्क्रिप्ट कवर की, फिर ये नॉट जेएस आ गया। अब ये नॉट जेएस के बाद हमारा जो लास्ट चीज़ है वो हमने रिएक्ट कवर करनी है, फिर हम फ़ौरन चैटबॉट की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा रिएक्ट पे हमारा टारगेट क्या होगा कि जैसा हमने एक करंट ऑपरेशन बना लिया था मोंगो डीबी को इस्तेमाल करते हुए, हम रिएक्ट को यूज़ करते हुए एक चैट एप्लीकेशन बना लें जिसमें क्या हो, हम लिखें, सामने से कंप्यूटर को जवाब दें, एक चैट की स्क्रीन और एक चैट ऐप बना लें, और फिर हम क्या करेंगे उसी ऐप के ऊपर पीछे चैट बॉट को फिट कर देंगे। क्योंकि चैट बॉट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन, चैट बॉट जो है वो एक्चुअली सर्वर साइड की चीज़ है। यहाँ से टेक्स्ट लिख के जब बंदा भेजता है तो सर्वर पे पहुँचेगा वो टेक्स्ट, और वहाँ पे हम उसको प्रोसेस करके रिटर्न आंसर भेजेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये चीज़ है ये फ्रंट एंड से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिएक्ट। ठीक है जी, हाँ होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। जो फ्रंट एंड है आपका, मिसाल के तौर पे मैं लास्ट वाले पे जाऊँ जो ये PWA बना हुआ है, इसका जो वेब वाला फोल्डर है, ये वेब वाला फोल्डर आप किसी भी स्टैटिक होस्टिंग पे करते हैं, जैसे फायरबेस पे हम कर चुके हैं ना, इस क्लास में फायरबेस होस्टिंग की है हमने। वेल मेरे चैनल पे आप जाओगे ना तो फायरबेस पे होस्ट करना मैंने 2-3 क्लासेस में अलग अलग बताया है, इसके भी सेक्शन ए में मैं बता चुका हूँ, शायद ए में बताया था फायरबेस पे होस्ट करना। वेल आप लोगों को मैंने कौन सी होस्टिंग पढ़ाई है, गिटहब वाली और नेटलीफाई वाली, सर्ज भी नहीं पढ़ाया। वेल चलो अभी हम जैसे रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो हम वो सारी एक एक करके देख लेंगे, सही है। यानी अब जो हम रिएक्ट की ऐप को होस्ट करेंगे हम फायरबेस पे होस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, वो चीज़ सारी एक ही है, समझ लो। मिसाल के तौर पे आप जब किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो वो चाहे आपने टॉफ़ी खरीदी तो वो केबिन से खरीदो, आप चाहे इम्तियाज़ से खरीदो, चाहे कोई बहुत बड़े सुपर स्टोर से, वो है वो दुकान ही। प्रोसेस यही होगा कि पैसे दोगे सामने से सामान देगा आपको, सही है। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली चीज़ एक ही है। तो कोई एक होस्टिंग आपको आ गई ना फ्रंट एंड की तो सभी आ गई है। वेल तो हम इसको अभी फ़िलहाल यहीं रोकते हैं। तो ये रिएक्ट के अंदर मैंने क्या बना लिया, एक अदद जो है ना मैंने हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं और हेलो वर्ल्ड बना के उसको रन करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये भला क्या है। अच्छा, इसको हेलो वर्ल्ड स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक अदद। मैं CD करके पहले तो इस फोल्डर में आ जाता हूँ, 3 tab, ये मैं इस वक्त कौन से फोल्डर में, अच्छा नॉट जी एस में ही हूँ, मुझे एक फोल्डर और पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 3, क्यों नहीं चल रहा, अच्छा CD 3 tab, हाँ चलिए। ठीक है, तो मैं कौन से फोल्डर में आ चुका हूँ इस वक्त, ये 3 रिएक्ट वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, एग्जैक्टली इस फोल्डर में आ चुका हूँ मैं। अच्छा, इस फोल्डर में आके मैंने क्या करना है, मैंने बोलना है npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस मेरी ऐप का नाम। ठीक है, मेरी ऐप का नाम मिसाल के तौर पे हो सकता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर। तो अब ये क्या करेगा, इस 3 वाले फोल्डर के अंदर एक हेलो वर्ल्ड के नाम का फोल्डर बना दिया इसने, और इसमें क्या करेगा, ये एक बॉयलर प्लेट रिएक्ट की ऐप आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, ये से बॉयलर प्लेट हम असल में बना रहे होते हैं। बॉयलर प्लेट मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है, कि किसी भी ऐप को शुरू करने के लिए इनिशियल मुझे चीज़ चाहिए होती है, वो बॉयलर प्लेट होता है। ठीक है, तो हेल्प मिल जाती है अगर हम बॉयलर प्लेट यूज़ कर लें तो। अच्छा, ये तो स्टॉक जो रिएक्ट ने बना के दिया वो बॉयलर प्लेट है। आमतौर पर डेवलपर क्या करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ दिस बॉयलर प्लेट लॉग इन साइनअप वगैरह बना के वो रख लेते हैं, तो वो अपना हर डेवलपर एक अपना बॉयलर प्लेट भी बनाकर रखता है। ठीक है, मैंने भी बनाया हुआ है। वेल, सीखने के लिए ये वाला बॉयलर प्लेट बेस्ट है। अच्छा, तो ये अभी बनना शुरू हो गई है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ये इंस्टॉल कैसे होता है, क्योंकि आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। अच्छा, मैं गया क्रिएट, सॉरी रिएक्ट, राउटर पे क्यों जा रहा है, सही है, यहाँ चला गया हम।
और मैं चला गया इसके गेटिंग स्टार्टेड में। अब गेटिंग स्टार्टेड में ना रिएक्ट को चेक करने के लिए कुछ उन्होंने प्ले ग्राउंड वगैरह बताए हुए, ऑनलाइन प्ले ग्राउंड जिसमें कोड पेन है, सैंड बॉक्स है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, सही है ये सारे प्लेटफॉर्म्स, अच्छे हैं प्लेटफॉर्म्स ये सारे। उसके अलावा अगर आपको एक नई रिएक्ट की ऐप बनानी है तो वो कह रहे हैं कि ये सिंपल एचटीएमएल का पेज ही होता है, उसी में एक रिएक्ट की आप स्क्रिप्ट लगा दो तो वो रिएक्ट की ऐप बन जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं यार यहाँ पे ना आप ये भी सीख लो कि बड़ी ऐप अगर होगी तो वो कैसे होगी ना, तो यहाँ मैं लर्न हाउ पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप पे ये पूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें टूल चेन का जिक्र है, तो इसमें डिफरेंट इन्होंने टूल चेन्स बताए हैं। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो टूल चेन है वो हम यूज़ कर रहे हैं एक नई क्रिएट रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट जेएस भी एक टूल है जो आपको एक बॉयलर प्लेट बना के देता है, गेट्स भी एक है, और भी उसके अलावा कुछ है जो इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जेएस जो बॉयलर प्लेट बना के देता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस वाले से, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ एक ही होती है। वो आमतौर पे आपको नेक्स्ट जेएस ना एक बिल्कुल ही अलग, यानी रिएक्ट से अलग कोई चीज़ बताई जाती है। आप कभी देखेंगे ना जो कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन करवा रहे होते हैं लोग, नेक्स्ट जेएस का कोर्स है, तो भाई नेक्स्ट जेएस कुछ भी नहीं है, रिएक्ट ही है असल में, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट कोड को लिखने का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जेएस, और उन्होंने कुछ कन्वीनियंस फंक्शंस बनाए हुए, कुछ कन्वीनियंस मेथड्स बनाए हुए जो आप यूज़ करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो रिएक्ट का ही है उसके अंदर भी, तो आपको अगर रिएक्ट आ गई तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको नेक्स्ट जेएस भी आ गई, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी सेक्शन ए वाले उन्होंने राउटिंग पढ़ ली है, तो नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे होती है, फोल्डर्स के ज़रिए होती है, कि आप एक ख़ास अंदाज में फोल्डर बनाते हैं वो खुद ही राउटिंग समझ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन कोर कॉन्सेप्ट रिएक्ट वाला ही है इसके अंदर, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, अच्छा इस पर क्लिक किया मैंने तो इन्होंने बोला कि क्या करोगे आप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये npm तो सुना था, npx क्या चीज़ है। अच्छा, तो एक्चुअली ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ना एक CLI टूल है, सॉफ्टवेयर एक तो होता है GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर। जो GUI होता है वो इंस्टॉल करते हैं आप और जब उसको ओपन करते हैं तो एक UI खुलती है जिस पर आप क्लिक कर रहे होते हैं या कुछ फॉर्म्स बने हुए आते हैं उसको फिल कर रहे होते हैं, वो GUI बेस्ड ऐप्स होती हैं। जो CLI बेस्ड ऐप्स होती हैं जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं तो वो CMD में ओपन होती है, सही है। अच्छा, आपने कौन कौन से CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं अभी तक, NPM इज़ वन ऑफ द देम, कि NPM पहले Node.js जब आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट NPM इंस्टॉल हो जाता है, और उसको आप इस्तेमाल कहाँ से करते हैं, CMD से। तो NPM जो है वो पहला सॉफ्टवेयर था CLI बेस्ड जो आपने इस क्लास में इस्तेमाल किया था, ठीक है। और कौन सा किया उसके अलावा, GitHub जो हमने यूज़ किया, git space add space dot GitHub जो था वो एक और CLI बेस्ड टूल था जो हमने इस क्लास में यूज़ किया। फायर बेस होस्टिंग अगर किसी ने की है तो वो भी CLI टूल के ज़रिए होती है, ठीक है। आप क्या करते हैं, अच्छा NPM आप कहते हैं NPM इंस्टॉल फायर बेस टूल्स माइनस जी, कि फायर बेस टूल्स को ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। अच्छा, तो ये भी एक क्या है, एक इसी तरह का CLI टूल है। अच्छा, इसको आप इंस्टॉल करते हैं NPM आई या NPM इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप माइनस जी, कि भाई ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप फिर NPM नहीं लिखते, आप लिखते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद कोई भी आप नाम लिखते हैं उस नाम से बना देता है। अच्छा, NPX जो है ना वो इन दोनों को मिला के, NPX का मतलब होता है कि इंस्टॉल भी करो और एग्जीक्यूट भी करो। NPX जब आप लिखते हैं और क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं है तो ये पहले उसको इंस्टॉल करेगा, और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट, लिनक्स के अंदर एक्स एग्जीक्यूट को कहते हैं। तो वो कह रहा है कि NPX की ये कमांड एग्जीक्यूट भी कर दो हाथ के अंदर, तो अगर तो ये इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद ये चल जाएगा और एक पैरामीटर के साथ चल जाएगा माई ऐप के नाम से, ठीक है। तो आपके पास अगर NPM इंस्टॉल है तो NPX उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, तो NPX आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो NPX लिखेंगे आप, ये लिखेंगे तो ये साथ साथ चल भी जाएगा। अच्छा,
ज़रूरी नहीं है कि आप इसको NPX के साथ ही लिखें, आप इसको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में अलग से चला सकते हैं, लेकिन जो जब आप इसको अलग से इंस्टॉल करेंगे तो एक वार्निंग आती है, वो कहता है कि यार इस तरह से चलाओ, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो हम इसी तरह से चला लेंगे। अच्छा, इतने में ये ऐप बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। तो हम इसमें CD करके हेलो वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं और इसको चलाएंगे कैसे, हम इसको हम NPM स्टार्ट करके चलाएंगे। ये पहले से बना हुआ है, पहले तो हम package.json में स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखते थे ना जाके हाथ से, इसमें बॉयलर प्लेट में पहले से लिखा हुआ है। तो NPM स्टार्ट करके मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये React की जो Hello World की ऐप थी, ये चल गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो इतने सारे फोल्डर बने हुए आ गए, पब्लिक है इसमें, इसमें SRC है, इसमें गिट इग्नोर भी है, package.json है, फिर SRC के अंदर app.js, app.test, पता नहीं क्या क्या फोल्डर है, ठीक है। तो काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी कुछ हो रहा है अंडर द हुड, तो हम इसको अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ये हेलो वर्ल्ड बन गया, हेलो वर्ल्ड रन हो गया, दैट्स इट। अब हम इसकी पढ़ेंगे थ्योरी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है कि ये चीज़ आखिर है क्या, तो फिर प्रैक्टिकल आपके लिए ना निस्बतन ईजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है अंडर द हुड हो क्या रहा है, ठीक है। इंसान भूतों से क्यों डरता है पता है? भूत किसी ने देखे नहीं है एक्चुअली, लेकिन डरता है फिर भी। तो इंसान जो है ना अनसर्टेनिटी से डरता है, इंसान असल में भूत से नहीं डरता, इंसान किससे डरता है? अनसर्टेनिटी से। जब पहली दफ़ा कोई गाड़ी की सीट पे बैठता है, गाड़ी ड्राइव करने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, तो वो डरता है, वो अनसर्टेनिटी से डरता है, यार पता नहीं क्या होगा, समझ लो। तो हमेशा याद रखो, इंसान जो है किसी भूत से नहीं डरता, हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है, क्योंकि इंसान भाई रात को निकला है, अंधेरा है सामने, अंधेरे में जा रहा है, ठीक है, कोई बयाबान जंगल में गए, तो वो अनसर्टेनिटी से डर रहा है, यार वहाँ जाऊँगा पता नहीं क्या होगा, वहीं पे रोशनी आ जाती है, दिख रहा होता है यार सब ओके है, तो वो जा रहा होता है, फिर कोई मसला नहीं होता। तो ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप उस चीज़ को डिटेल में समझ लें। मिसाल के तौर पर कोई अगर ऐसा भूत है जिसको आप डिटेल में जानते हैं कि यार ये काम कर सकता है, जैसे गाय है ना, गाय कितना बुरा मारती है, लेकिन आपको ये पता है कि रस्सी से बंधी हुई है, तो जब तक टूट नहीं जाती ना रस्सी, सेफ है, तो आप साइड खड़े रहते। शेर भी चीर फाड़ देता है, लेकिन ये पता है आपको कि ये जो जाल के पीछे है ना, जू के अंदर एक जो जाल लगा हुआ है उसके पीछे है वो, जब तक आपको पता है जब तक ये जाल के उस तरफ है और मैं इधर हूँ तो मैं सेफ हूँ, तो इसलिए आप डरते नहीं हैं। तो ये आपको पता है, डिटेल में आप ये समझ चुके हैं, तो आप डरते नहीं हैं। तो आ जाते हैं हम ज़रा और इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या भला। तो यहाँ पे हमारे पास डेव सीडिया का एक आर्टिकल है, ठीक है, आप ये बात लिखेंगे ना गूगल पे जाके, क्या लिखेंगे आप, डेव सीडिया रिएक्ट ट्यूटोरियल, सही है, तो ये आर्टिकल का लिंक सबसे पहले आ जाएगा, सही है, ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यही आर्टिकल ओपन हो जाता है। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ना, वैसे तो कोई बुक नहीं है, ये एक शॉर्ट सा आर्टिकल है, लेकिन टू स्टार्ट विथ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, स्टार्टिंग में समझने में बहुत आसानी होती है। रिएक्ट की वैसे आज तक मुझे कोई ढंग की ऐसी बुक नहीं मिली जो क्लास में पढ़ाने के लिए बेस्ट हो, वैसे तो हैंडबुक्स बहुत सारी हैं जो मतलब डेवलपमेंट करते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाने के अतबार से ना कोई, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के अतबार से शॉर्ट और प्रिसाइज चीज़ चाहिए होती है आपको, ठीक है, कि चीज़ शॉर्ट हो और प्रिसाइजली वो डिस्कस करे चीज़ों को, और जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है उसको भी कवर करता हुआ जाए, ये भी नहीं कि इम्पॉर्टेंट डिटेल छोड़ता हुआ निकल जाए। तो इस आर्टिकल में कहीं ना मुझे वो क्वालिटी नज़र आई है कि ये हर चीज़ को ब्रीफली ही डिस्कस कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिटेल सारी कवर की है इसने। तो सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं कि यार व्हाट इज़ रिएक्ट, रिएक्ट आखिर है क्या।
रिएक्ट इज़ अ यूआई लाइब्रेरी, यूआई बनाने के काम आती है, ठीक है, क्रिएटेड बाई फेसबुक. इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस. कोई मुझे ये बता पाएगा कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है? यूजर को अट्रैक्ट करें, इंटरैक्ट क्या होता है? हाँ भाई, रिटर्न जवाब दे रही हो जो वेबसाइट, तो इंटरैक्टिव है जी. और कोई बताना चाहे आप? ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल है, सही गलत नहीं है इसमें. अच्छा, ये वर्ड अक्सर जगहों पे लिखा हुआ नज़र आता है, तो मतलब कोई नया वर्ड जब मैं देखता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ. तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जब आप, क्योंकि ये आपकी फील्ड है एक्चुअली, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस आपकी फील्ड है, तो इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है. तो एक्सप्लोर किया करें जब भी कोई नया वर्ड नहीं. अच्छा, तो इंट्रैक्शन से निकला इंट्रैक्टिव, ये दोस्त ने बिल्कुल, हाँ हाँ, इनपुट आउटपुट जहाँ पे हो रहा हो ना, तो ये दोस्त ने क्या नाम है यार तुम्हारा? बिलाल. इसने बिल्कुल सही बताया कि जहाँ पे बातचीत हो रही हो ना, वेबसाइट से कुछ इंटरेक्शन हो रहा हो, तो ये इंटरेक्शन से निकला है इंटरेक्टिव. जैसे मैं अभी आपसे क्या कर रहा हूँ? इंटरेक्शन कर रहा हूँ. आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं. मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी कम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन हो रहा है. तो जो वेबसाइट आपसे इंटरेक्शन करेगी वो इंटरेक्टिव वेबसाइट है या इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है. इंटरेक्शन किस किस्म की? कि कोई बटन होगा उस वेबसाइट पे जहाँ मैं क्लिक कर सकूँ, कोई फॉर्म होगा जिसको मैं फिल करके सबमिट कर सकूँ, ठीक है, कोई सर्च बॉक्स होगा कि मैं क्वेरी लिख के सर्च करूँ. google.com इज़ अ इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, फेसबुक इज़ अ इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, ठीक है. आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी वेब एप्लीकेशन है जो इंटरेक्टिव नहीं होती? ऐसी भी कोई एप्लीकेशन की एग्जांपल दे सकता है कोई कि जो इंटरेक्टिव नहीं होती? स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, ठीक है. विकिपीडिया स्टैटिक नहीं है भाई, विकिपीडिया पे चेंजेस कर सकते हैं आप जाके. विकिपीडिया पे बटन्स होते हैं, सर्च बॉक्स होता है, और विकिपीडिया के किसी भी आर्टिकल में आप एडिट कर सकते हैं, सजेस्ट, वो फिर अप्रूव करते हैं, कम्युनिटी है वो अप्रूव करती है, लेकिन आप अपना एडिट सबमिट कर सकते हैं फौरी तौर पर. तो स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिव की कैटेगरी में आप कह सकते हैं इसको. मैं तो मतलब बिल्कुल स्टैटिक. अच्छा, उस स्टैटिक का दौर अब जा चुका है, वो वाली स्टैटिक वेबसाइट आपको अब ढूंढने से मिलेगी, ढूंढने से. सही है, एक मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ. 1000 पिक्सल एक वेबसाइट है, ठीक है, 1000 पिक्सल एक वेबसाइट है भाई. जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था ना यार, अभी मुझे मिल रही नहीं है. बस ढूंढने से ही मिलेगी वो. हाँ, ये है वो वेबसाइट, द मिलियन डॉलर होम पेज नाम है इसका. 1 मिलियन है एक्चुअली वो, ठीक है, milliondollarwebpage.com, ये है वो वेबसाइट. अच्छा, अभी इसमें भी बटन आ गया भाई, दबे होम पेज है, अरे बाय पिक्सल है नहीं, ये सब नॉट फाउंड है भाई, प्रेस है. वैली तो ये जो वेबसाइट है ना, इसका क्या सीन था, जब इंटरनेट नया नया आया था तो इन्होंने बोला कि भाई हम ये डोमेन खरीद रहे हैं milliondollarhomepage.com. तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई 1000 पिक्सल, भाई 1000 पिक्सल है ये वेबसाइट, और इसमें का एक पिक्सल इसका $1 का, ठीक है. तो टोटल 1 मिलियन पिक्सल बनते हैं, अगर 1000 बाई 1000 हो ना, टोटल 1 मिलियन बनते हैं. तो इसने एक पिक्सल जो है ना कितने में बेचा है? $1 में. तो देखो, किसी ने 100 पिक्सल लिया हुआ है, किसी ने 1 पिक्सल लिया हुआ है, किसी ने 5 पिक्सल लिए हुए हैं, ठीक है, ये लोगों ने खरीदे, सही है. इसका एक एक पिक्सल सोल्ड आउट हो चुका है. बस इसका फ़ायदा जो उस वक्त समझ सकते थे आप, अभी आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इसका फ़ायदा समझने के लिए. सही है, प्ले नाउ, अब इस पर क्लिक नहीं कर सकते आप. अच्छा, क्लिक कर सकते हैं यार, क्लिक कर सकते हैं. तो ये भी इंटरेक्टिव है एक्चुअली, ढूंढने से भी नहीं मिला, ठीक है. क्लिक करने से किसी दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इंटरेक्टिव है. अब इसमें ना जिसने
ये देख रहे हैं फ्री डोमेन कोई बेचते हैं, उन लोगों ने अपना ऐड यहाँ लगाया हुआ है, क्लिक करूँगा मैं ये, इस पर चला जाऊँगा। अब ये वेबसाइट्स भी बंद हो चुकी हैं जहाँ जिस जिन्होंने ख़रीदा था इसको, ठीक है, फ्री 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 लिखा हुआ है इसने, तो सही है, सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, 1 मिलियन पूरे। तो इसने उस ज़माने में, ये शायद सन 2000 से भी पहले की बात है ये, जब नया नया बिल्कुल .com का जो एक बूम आया था उस वक्त की बात है, तो उस वक्त इसने $1 मिलियन कमा लिए थे इस वेबसाइट से। तो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जो है ना, वो इस वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन हैं, ठीक है, दराज, OLX, ये सारी इंटरेक्टिव हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है ये स्पेशली इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है। अच्छा, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कोई मुझे बता पाएगा कि रियल वर्ल्ड में कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट इज कंपोनेंट? अंग्रेजी में कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? तो ये अच्छा, आपने जिक्र किया कि चेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स और कंपोनेंट्स, ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं? इसका मतलब है पार्ट से कुछ डिफरेंट होगा कंपोनेंट, मेन पार्ट्स को कंपोनेंट कहते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स मिलके एक कंपोनेंट बनता है और फिर मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलके एक चेयर बनती है, ये कहना चाह रहे हैं। और कोई अपने ओपिनियन देना चाहे इसमें, गूगल कर सकते हो, गूगल करो कि कंपोनेंट किस चीज़ को कहते हैं। सही पहुंच गए हो करीब करीब। मैं आसान अल्फाज में एक अपना ओपिनियन दे देता हूँ, किसी भी मशीन का जो एक इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली वर्किंग पार्ट होता है ना, उसको कंपोनेंट कहते हैं। सही, हाँ, जैसे एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसकी, वो एक मुकम्मल, एक अपने आप में एक मुकम्मल मशीन है वो बैटरी जो है। ठीक है, अच्छा, वो बैटरी रिप्लेस भी हो जाती है, एक में से निकल के दूसरे में भी लग जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के मॉडल और मेड क्या है, ठीक है। इसी तरह जो एसी है, एसी के अंदर जो एसी का जो फ्लैप है, क्या वो कंपोनेंट है? नहीं, वो कंपोनेंट नहीं है, ये बस वो यूँ हिलता है, वो एक मुकम्मल मशीन नहीं है। लेकिन एसी का जो कंप्रेशर है वो एक मुकम्मल मशीन है। अगर बचपन किसी ने गुजारा है, मेरा वाला सेम, तो वो आपने देखा होगा साइकिल की शॉप्स पे ना, वो यही एसी का और फ्रिज का कंप्रेशर निकाल के वो हवा भरने की मशीन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी मशीन का एक मुकम्मल जो इंडिपेंडेंट पार्ट जो उन्होंने लिखा है, वो बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, इंडिपेंडेंट पार्ट, तो कि वो निकल के किसी और चीज़ में भी यूज़ कर ले। कंप्रेशर तो कंप्रेशर है भाई, उसका काम है हवा को कंप्रेस करना, भले वो एसी के अंदर हो, फ्रिज के अंदर हो, या वो साइकिल की दुकान पर हो, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है, मॉनिटर इसका कंपोनेंट है, सही है। इसी तरह कीबोर्ड इसका एक कंपोनेंट है, एक मुकम्मल पार्ट है, एक मुकम्मल मशीन है। तो समझ आ गया कंपोनेंट? तो किसी भी बड़ी मशीन का एक मुकम्मल जो पार्ट होता है, इंडिपेंडेंटली वर्किंग पार्ट, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। तो ये कंपोनेंट से मिलके बनती है वेब एप्लीकेशन, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट से मिलके बनती है। इसका मतलब क्या होगा कि एक पूरी वेब एप्लीकेशन ना सिंगलटन नहीं होगी, वो क्या होगा, छोटी छोटी वेब एप्लीकेशंस होंगे जो अपने आप में कंप्लीट वेबसाइट होगी और उससे मिल के एक बड़ी एप्लीकेशन बनेगी। नहीं, API देखो, जो सर्वर हमने लिखा है ना एक्सप्रेस JS पे, वो सर्वर एक मुकम्मल एक कंपोनेंट है, यानी पूरी वेब एप्लीकेशन का कंपोनेंट एक पार्ट है उसका सर्वर, यानी API जो लिखी है, और एक पार्ट है उसका फ्रंट एंड। तो ये दो कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फ्रंट एंड जो बनेगा ना सिर्फ, वो मिलके बनेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे हम चार पेजेस की वेबसाइट बनाएंगे तो वो चार पेजेस असल में चार कंपोनेंट होंगे। अब वो बनेगा, अब है क्या वो कंपोनेंट,
If you are familiar with HTML, you can think of component like a fancy custom tag. अच्छा आपको पता है HTML 5 के अंदर अगर मैं एक तो div होता है अच्छा अगर मैं एक टैग लगा दूँ उसमें उसका नाम रख दूँ मैं डिवा डिवा नाम का तो कोई टैग नहीं होता तो क्या होगा वो उसको डिव की तरह ट्रीट करेगा ठीक है HTML 5 के अंदर ये उन्होंने फैसिलिटी रखी है कि आप किसी भी नाम का टैग लगा सकते हैं ठीक है अगर वो HTML के अंदर नहीं होगा तो उसको एज अ डिव वो ट्रीट करेगा मैं लिख दूँ इंजमाम के नाम का एक टैग लगा दूँ ठीक है तो वो कस्टम टैग उसी को कहते हैं तो कह रहे हैं कि आपको लगेगा कि कस्टम टैग है कंपोनेंट जो है वो देखने में कैसे होंगे कस्टम टैग की तरह होंगे आपके नाम का होगा मिसाल के तौर पर मुझे लॉगिन की स्क्रीन बनानी है तो मैं टैग एक बनाऊंगा लिखूंगा कैपिटल एल से लॉगिन और टैग क्लोज कर दूंगा ठीक है तो इस तरह से एक बन रहा होगा अब वो है एक्चुअली कैसे होगा वो देखेंगे दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर रीयूजेबल बिट ऑफ अ कॉन्टेंट एंड बिहेवियर दैट कैन पुट ऑन अ वेब पेज कह रहा है वो रीयूजेबल बिट होगा जस्ट लाइक कंप्रेशर कि भाई एक वेबसाइट में आपने बना दिया तो आप उसको फिर वो जाहिर है उसी को निकाल के किसी दूसरी वेबसाइट में रीयूजेबल होगा अ कंपोनेंट इज रिटन इन प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस अब वो कह रहे हैं कि वो देखने में तो टैग होगा लेकिन पीछे उसके क्या होगा एक फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट का एंड दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज अच्छा टेम्पलेट लैंग्वेज हमने क्योंकि सर्वर साइड पर पढ़ी नहीं है हमने डायरेक्ट नया वाला पढ़ा है तो इसलिए टेम्पलेट पे गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ठीक है अच्छा जो लोग पीछे पीएचपी के बैकग्राउंड से यहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है या जो ईजेएस या जेड वगैरह यूज़ कर चुका है पहले तो उसके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो टेम्पलेटिंग की ना अलग लैंग्वेज होती है भाई डबल ब्रैकेट लगा के बीच में लिखो तो यहाँ पर टेम्पलेटिंग में वो सब कुछ नहीं हो रहा वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होगा ठीक है जो हमने Node.js का सर्वर पढ़ा है उसके अंदर भी एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है लेकिन हमने वो पढ़ाई नहीं है ठीक है EJS करके है बड़ा फेमस है वो यूज़ होता है PHP में जो PHP की बेस है वो है ही टेम्पलेटिंग इंजन के ऊपर PHP का एक अपना टेम्पलेटिंग इंजन है तो हमने डायरेक्ट कौन सा पढ़ा REST API जो नया वाला है REST API में क्या होता है कि जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो JSON में भेजते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी JSON में आता है ऑन अदर एंड अगर हम टेम्पलेटिंग इंजन वाला काम करते हैं जो कि PHP.NET में और एक्सप्रेस में भी कुछ अरसे पहले तक वही होता था ठीक है या यूँ कह लें कि एक्सप्रेस में भी उस चीज़ को फैसिलिटी को रखा गया ख़त्म नहीं किया क्यों जाहिर है जो नई चीज़ आती है उसमें पुराने वाले का लेगेसी रखना ज़रूरी होता है तो उसमें क्या होता है उस लेगेसी सिस्टम में कि आप रिक्वेस्ट जब करते हैं ब्राउज़र से तो जो रिस्पॉन्स में ना पूरा पेज तैयार करके भेजता है सर्वर आपको यानी रिस्पॉन्स में JSON नहीं आता है रिस्पॉन्स में पूरा HTML का पेज आता है ठीक है उससे प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर प्रॉब्लम नंबर एक कि आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रीज़न ये है कि ज़ाहिर है JSON आ रहा है तो चार पांच चीज़ें आ रही हैं JSON में और उस चार पांच चीज़ों के चक्कर में पूरा पेज मंगाऊँ तो पेज पे CSS भी है सारे HTML की हेडिंग वेडिंग जो फिक्स वाली चीज़ें हैं सारा नेविगेशन बार बार जो कुछ लिखा है वो सब आएगा और आम तौर पे CSS काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो बजाय 2 KB के होने के ना वो रिक्वेस्ट 200 KB की होती है फिर उसमें इमेजेस भी होती हैं सब कुछ होता है तो हम नई वाली अप्रोच में हम क्या करते हैं शुरू में ही सारा फ्रंट एंड हम लिख लेते हैं जो हमने किया भी है प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी हम यही कर रहे थे पहले सारी जावास्क्रिप्ट सारा CSS सब लिख लेते हैं फिर जब सर्वर से डेटा आता है तो उस डेटा पे मैप चला के हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं तो मैप चला के जो हम चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं वो भी HTML पहले से ही लिखा हुआ होता है फ्रंट एंड सर्वर से HTML नहीं आता तो इस वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है ना जो क्लाइंट सर्वर अच्छा ये REST API की रिक्वायरमेंट भी है अगर कोई ऐप है जिसमें ये क्लाइंट सर्वर का रिलेशन नहीं है पूरा पूरा पेज बन के आता है तो वो REST API नहीं होगी फिर वो REST API JSON में इनपुट आउटपुट होता है ठीक है तो ये नए दौर के जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं तो यहाँ पे टेम्पलेटिंग वाला इंजन वाला कोई काम नहीं हो रहा वही अप्रोच है कि पहले ही सारी HTML फ्रंट एंड पे लिखी हुई होगी सर्वर से जस्ट डेटा आएगा रेंडर होगा वो रिएक्ट सपोर्ट स्पेशल सिंटैक्स कॉल JSX ठीक है एक JSX के नाम का सिंटैक्स है जो इसमें इस्तेमाल होता है जो क्या करता है जब बैकएंड से डेटा आता है ना तो उसको जब हम मैप चला के रेंडर करवाते हैं उस काम को काफ़ी ज़्यादा ये आसान बना देता है बिल्कुल HTML की तरह दिखता है JSX बट इट इज़ टर्न इन टू रियल जावास्क्रिप्ट बाई कोड कंपाइलर
कह रहे हैं कि जब आप JSX को लिखते हैं ना, तो वो चलने से पहले क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होकर रन होता है। अच्छा, अगली बात, अ पेज इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट लेड आउट इन नेस्टेड ट्री। ट्री स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, HTML जो हम लिखते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब कि एक बॉडी होती है, उसके अंदर फिर एक हेडिंग होती है, फिर एक पैराग्राफ होता है, फिर उस पैराग्राफ के अंदर दो चार इमेजेस होती हैं। तो अगर इसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये ट्री जैसा दिखता है कि एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हैं, फिर हर चाइल्ड के दो दो तीन तीन चाइल्ड हैं, फिर उसके दो चाइल्ड हैं, तो ऐसे एक ट्री की सूरत बन जाता है। तो इसलिए तो जस्ट लाइक HTML एलिमेंट्स, तो JSX देखने में भी HTML के जैसा है और वो लिखा भी ट्री स्ट्रक्चर में जाता है बिल्कुल HTML की तरह। React कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स, क्योंकि JSX में जो लिख रहे हैं हम वो HTML नहीं लिख रहे, वो हम कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी थियोरेटिकल बातें हैं सारी। अच्छा, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिएक्ट इज द आइडिया ऑफ वन वे डेटा फ्लो। अब ये वन वे डेटा फ्लो भी उन लोगों को इसने स्पेशली टारगेट किया है जो इससे पहले एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंगुलर JS या एंगुलर 2 या एंगुलर 5 जो भी, तो उस फॉरन रिएक्ट उसके फॉरन बाद आई है। अच्छा, अभी उन्होंने भी ये वाला एडॉप्ट कर लिया है वन वे डेटा फ्लो, तो उसमें ना टू वे डेटा फ्लो हुआ करता था। जो अगर किसी को MVC का आइडिया है तो वह MVC पैटर्न के ऊपर जो आपका जो व्यू होता है, MVC क्या होता है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है, वो डेटाबेस या वो वेरिएबल जहाँ डेटा रखा हुआ है, स्टोर्ड है। व्यू वो जगह होती है जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है, यूज़र देखता है, और कंट्रोलर उसके दरमियान में खड़ा हुआ होता है। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि व्यू पे कुछ इनपुट देता हूँ मैं, तो वो कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मॉडल को कैसे चेंज करना है, यानी स्टोरेज में कैसे भेज रहे हैं उसको। इसी तरीके से अगर स्टोरेज में कुछ चेंज हो जाता है तो वो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि उसको यूज़र को कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। सही है, लेकिन उसमें क्या होता था टू वे डेटा फ्लो में, ये आपको शायद इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगुलर से जो आया था ना ये उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको रिएक्ट समझ नहीं आएगी। फिर एंगुलर में क्या होता था, टू वे डेटा फ्लो होता था, वो कहते थे कि भाई व्यू पे जो आप चेंज करेंगे ना वो डायरेक्ट मॉडल में चेंज हो जाएगा, और मॉडल में जब चेंज होगा तो डायरेक्ट वो व्यू पे भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, और कंट्रोलर जो है वो काइंड ऑफ होता भी था उसमें और नहीं होने के बराबर था, क्योंकि जब व्यू से मैं कोई भी चीज़ चेंज करता था वो डायरेक्ट मॉडल में चेंज हो जाता था, और जब मॉडल में कोई चीज़ चेंज होती थी वो डायरेक्ट व्यू में चेंज हो जाती थी। तो ये टू वे डेटा फ्लो था, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो स्टैंडर्ड MVC वाला है वही फॉलो होता है कि डेटा वन वे में फ्लो करेगा, आप UI से कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो डायरेक्टली आप मॉडल को चेंज नहीं कर सकते, और मॉडल में कोई चीज़ चेंज होगा तो वो व्यू पे डायरेक्टली नहीं चेंज होगा। सही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई ये व्यू, सेवेटल और एंगुलर, इन सब लोगों ने भी यही वाला अडॉप्ट कर लिया और होना भी इसी तरह चाहिए इसको। अच्छा, इन द वन वे डेटा फ्लो मॉडल डेटा इज ओनली एवर पास डाउन द ट्री फ्रॉम कंपोनेंट टू इट्स चिल्ड्रन। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो MVC बताया ना, ये लेमैन स्टाइल में बताया, पैटर्न वाइज बताया, लेकिन ये एक्चुअली HTML के अंदर या एक्चुअली इस कंपोनेंट के अंदर काम कैसे करता है कि एक कंपोनेंट है टॉप पे, यानी कि बॉडी का एक एलिमेंट है, उसके अंदर फिर पैराग्राफ है, फिर उसके अंदर हेडिंग है, फिर उसके अंदर और पैराग्राफ है। वो कह रहा है कि डेटा मिलेगा पेरेंट को और पेरेंट से वो चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ चाइल्ड से वापस पेरेंट में नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये कंपोनेंट का आपस में एक डेटा शेयरिंग है। तो इसको मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये हम इंशाल्लाह करेंगे जब तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड यू नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट। लर्निंग प्रीरिक्विजिट इज बोरिंग बट रिएक्ट बिल्ड अपॉन द आइडिया ऑफ HTML जावास्क्रिप्ट व्हाइल आई डोंट नो इंपॉर्टेंट मास्टर दिस। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आपके लिए रिएक्ट सही है। ठीक है, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर HTML CSS आती है तो अच्छा है, नहीं आती हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वो हमें आती है तो हमें कोई प्रीरिक्विजिट ही नहीं है, हम प्रीरिक्विजिट कर आए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हेलो वर्ल्ड पे। अच्छा, ये 5 स्टेप जो इसने बताए ना हेलो वर्ल्ड के,
क्या बताया, हम इसको एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करेंगे जैसे इसने बताया। स्टार्ट अप अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स, जो कि एक प्ले ग्राउंड है, रिएक्ट वालों ने बताया था हमें कि प्ले ग्राउंड है। इस पर क्लिक किया मैंने तो ये ओपन हो गया, सही है। एग्जैक्टली ऐसा आप लोगों को करना है, अभी मैं टाइम दूंगा आपको ये करने का। नंबर टू, द प्रोजेक्ट विल हैव ऐप डॉट जे एस फाइल ओपन, क्लोज दैट फाइल, वी डोंट नीड इट, यू कैन इवन डिलीट दैट फाइल। तो ऐप डॉट जे एस को जाके हमने सबसे पहले क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये ऐप डॉट जे एस दिखेगा कहाँ से, ये जगह देख रहे हो, इस पर क्लिक करूँगा मैं, देख रहे हो ये तो अभी आराम से ये जो बार है ना साइड वाला, इसमें देखो छोटे छोटे ये बने हुए खुलने बंद होने वाले आइटम, ये इस बार पे क्लिक होने से, ठीक है। तो ये फाइल्स वाले पे जाके ये ऐप डॉट जे एस है ना जो ओपन हुआ हुआ है इस वक्त, मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, सही है। ऐप डॉट जे एस डिलीट हो गया। सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस फ्रॉम द लेफ्ट पैन, अब आ जाते हैं हम, ये इंडेक्स डॉट जे एस को सेलेक्ट कर लिया मैंने, सही है। ये इंडेक्स डॉट जे एस सेलेक्ट हो गया और ये फाइल इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो नज़र आ गया। हाँ, कुछ पूछ रहे हो, अच्छा। होल्ड योर ब्रेथ एंड डिलीट द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, कंट्रोल ए और डिलीट, सही है, डिलीट हो गया। अच्छा, अब क्या है, टाइप इन दिस कोड, ये कोड आपने क्या कर देना है, ये अपने हाथ से आपने टाइप करना है उसमें, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने। ये आ जाते हैं जी, हम यहाँ पे लाके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इसलिए पेस्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी जो आप करेंगे ना, दो मिनट के अंदर आप ये करेंगे खुद भी, तो आप क्या करेंगे, उसको हाथ से टाइप करेंगे। अच्छा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ गया, इसका आउटपुट फौरन नज़र आ गया। तो ये हमने एक और हेलो वर्ल्ड बना लिया। अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं नीचे, नाउ बिफोर मूव ऑन, डिड यू कॉपी पेस्ट द कोड अबव और डिड यू टाइप इट इन, सही है। तो मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपने नहीं किया, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली टाइप दिस स्टफ इन, टाइपिंग इट ड्रिल्स द कॉन्सेप्ट एंड सिंटेक्स इन टू योर ब्रेन। कह रहा है जब आप हाथ से लिखते हो ना, तो आपके मसल मेमोरी में वो चीज़ शामिल होती है। इफ़ यू जस्ट कॉपी पेस्ट और रीड इट अलॉन्ग और वॉच द वीडियो, द नॉलेज डोंट स्टिक। कह रहा है आप सिर्फ अगर देखोगे ना या कॉपी पेस्ट करोगे तो आप वो आपको याद नहीं रहेगा, फिर बाद में आप फौरन भूल जाओगे उसको। यू विल बी स्टक स्टार्टिंग ए ब्लैंक स्क्रीन, हाउ डज दैट इम्पोर्ट थिंग वर्क, और आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार ये जो मैंने लाइन लिखी थी ना, ये चलती कैसे थी, ये तो चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। तो टाइपिंग इन द एग्जांपल्स, डूइंग द एक्सरसाइज इन वन वेयर्ड ट्रिक टू लर्निंग रिएक्ट, इट ट्रेन्स योर फिंगर्स, दोज फिंगर्स आर गोना अंडरस्टैंड रिएक्ट वन डे, हेल्प एम आउट। तो ये साइंस है एक्चुअली, ये कि आपकी ना मसल मेमोरी होती है, ठीक है, मसल में कुछ चीज़ें फिट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई, आप में से लोग बाइक चलाते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे, तो शुरू में जब पहली दफ़ा आप चलाते हैं ना, तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन अब वो ऑटो पायलट हो जाता है कुछ अरसे बाद ना, एक साल दो साल चलाने के बाद आपको फिर देखना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, आप अपने दोस्त से बातें भी कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, जहाँ पे कोई चीज़ सामने आती है तो ब्रेक ऑटोमेटिक लगता है, हाँ पीछे बैठे हुए भी ब्रेक दबा रहा होता है, ठीक है। तो वो मसल्स में चीज़ वो शामिल हो जाती है, आपको फिर देखना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, सही है। तो मिसाल के तौर पर आपके फ़ोन का जो पावर का बटन है, वो शुरू में तो आपको देखना पड़ता है ना एक दो दफ़ा, फिर आपको देखना नहीं पड़ता, आपको पता होता है वो कहाँ पर है। जो अंडर स्क्रीन एक फिंगरप्रिंट आजकल आया हुआ है फ़ोन में, तो अगर शुरू में ना क्या होता है, आप कहते हैं यार किधर है, उसको ढूंढो ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली एक से डेढ़ महीने बाद आपकी फिंगर को पता होता है वो कहाँ पर है, आपकी फिंगर ऑटोमेटिकली वहीं जाती है, सही है। तो मसल मेमोरी जो है बहुत ज़रूरी है। जो कुछ लोग वेपन्स वगैरह रखते हैं, कभी ज़िंदगी में उन्होंने चलाया नहीं होता, तो जब सामने कुछ आता है ना, तो फिर उनसे चलता भी नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि वो मसल मेमोरी में होता ही नहीं उनके। तो अगर किसी ने भी कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वेपन वगैरह रखा हुआ है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो महीने में एक दफ़ा जाए शूटिंग रेंज में, 4-5 हज़ार का खर्चा करके, हैं भाई क्यों ले जाएंगे, कैसी बात है, नहीं तो आप शूटिंग रेंज में जाओ ना, आप हवाई फायर करोगे तो जो इलीगल काम करोगे तो लेके जाएंगे ही आपको,
सही है। तो मतलब ज़रूरी है कि आप एक आध बार ना महीने 2 महीने में आप जाओ शूटिंग रेंज जाके 4-5 हज़ार का 10 हज़ार का खर्चा करो आप। सही है, मतलब 2 मैगजीन तो फायर करो ना यार कम से कम महीने में एक बार। तो वो लोग करते नहीं है और वो फिर लगा के घूम रहे होते हैं, तो वो वेपन आपकी सेफ्टी नहीं करता, वो आपको वल्नरेबल कर देता है, वो आपको उल्टा वल्नरेबल कर देता है। तो ये भी जो है ना, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपको उल्टा वल्नरेबल कर देगा। सही है, तो चलो जल्दी से ना ये वाले स्टेप सारे फॉलो करो, ये 5 स्टेप एज इट इज़ फॉलो करो, और जैसे ही हेलो वर्ल्ड चल जाए फिर तो फिर बताना, फिर हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके ना लाइन बाय लाइन इस कोड को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक्चुअली चक्कर क्या है। ये इम्पोर्ट जो है, वैसे आप लोग सब लोगों को पता है क्योंकि हमने नॉट जे एस पहले कर लिया था इस क्लास में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विद ES6 JavaScript लाइब्रेरीज आर नॉट ग्लोबली अवेलेबल, दे नीड टू बी इम्पोर्टेड। जैसे शुरू में जब हम बिल्कुल HTML में थे और वहाँ जो हम JavaScript लिखते थे उसमें क्या होता था, एक्जियोस की स्क्रिप्ट लगाते थे और JavaScript में एक्जियोस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, पता नहीं चलता कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। अगर इमेजिन करें 2 लाइब्रेरी ऐसी हो जिसमें एक्जियोस नाम की कोई चीज़ हो तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। तो ES6 में इसका ये हल निकाला इन्होंने, इन्होंने बोला भाई लाइब्रेरी अटैच होने के बाद ना ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, आपको इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा फिर मिलेगी वो, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर 2 लाइब्रेरी है जिसमें एक्जियोस नाम की कोई चीज़ मौजूद है तो आप जिसको इम्पोर्ट करेंगे वो मिलेगा, जिसको नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। और फिर इसमें वो वाले भी तरीके हैं कि इम्पोर्ट एज, कि भाई आप उस एक्जियोस को किसी दूसरे नाम से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर जिक्र नहीं है लेकिन वो भी है, तो इम्पोर्ट एज करते हैं आप फिर उसको अगर 2 सेम नाम आ जाते हैं तो। ये इसमें बेनिफिट है, फिर आपको इसमें देखते ही पता चल जाता है कि ये चीज़ कौन सी लाइब्रेरी से आ रही है, लाइब्रेरी का नाम भी लिखा हुआ है साथ साथ, तो ये बड़ा फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, हाई का कंपोनेंट है, राइट अंडर द इम्पोर्ट इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड हाई, दिस इज रियली ट्रूली प्लेन जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस फाइल अप टू एंड इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज प्लेन जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स, नथिंग रिएक्ट स्पेसिफिक। कह रहा है ये जो पूरा कोड है ना, ये पूरा कोड जो है ये पूरा जावास्क्रिप्ट है शुरू से लेके आखिर तक। इसमें ये कुछ HTML जैसा दिख रहा है लेकिन ये कह रहा है ये भी जावास्क्रिप्ट है जी। हाँ, इसके फंक्शन के नाम में फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स दिस फंक्शन अ कंपोनेंट, द फैक्ट दैट इट रिटर्न्स समथिंग दैट रिएक्ट कैन रेंडर। ये चीज़ जो ये रिटर्न करता है ना, ये चीज़ रिटर्न करने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। सही है, ये एक एक सिंपल फंक्शन को जो कंपोनेंट बना रही है ना वो ये चीज़ बना रही है। एंड इट लुक्स अ लॉट लाइक HTML, रिएक्ट कॉल्स द फंक्शन एंड गेट द JSX, रेंडर द इक्वेलेंट HTML टू द डॉम। अब ये जो बात है ना, ये बहुत गौर से समझने वाली बात है। ये जो चीज़ है ना, इसको क्या कह रहा है, ये JSX है, ठीक है। JSX एक HTML जैसी दिखने वाली चीज़ है। रिएक्ट क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है, इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, रिएक्ट कॉल करता है। रिएक्ट जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा तो रिटर्न वैल्यू जो होगी वो उसको मिल जाएगी, रिएक्ट को, है ना, रिटर्न वैल्यू रिएक्ट को मिल गई। अब ये रिएक्ट को जो रिटर्न वैल्यू मिली है ना, दिस इज समथिंग दैट रिएक्ट कैन रेंडर ऑन स्क्रीन। ये चीज़ स्क्रीन पे दिखा सकता है रिएक्ट, रिएक्ट को ये जबान समझ आती है। अच्छा, और जैसे ही ये मिल जाता है रिएक्ट को, तो रिएक्ट क्या करती है, इसके इक्वेलेंट HTML स्क्रीन पर रेंडर करती है। इसका मतलब है ये HTML नहीं है, सही है। इसने यहाँ पे देखें, ये बात बाकायदा लिखी है कि रेंडर्स द इक्वेलेंट HTML टू द डॉम। अच्छा, डॉम क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि जब हम HTML या CSS लिखते हैं, शुरू की क्लास में जो हमने HTML लिखा था, वो HTML ब्राउज़र को समझ नहीं आता, HTML या CSS ब्राउज़र को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। ब्राउज़र एक्चुअली क्या करता है, HTML को कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और फिर उसको दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउज़र सिर्फ एक ही चीज़ समझता है जो जावास्क्रिप्ट है, सही है। अच्छा, आपको मैं इसका एविडेंस भी देता हूँ।
कि HTML क्या JavaScript में वाकई कन्वर्ट होती है। याद करें जब हम शुरू की क्लास में, जब हम बिल्कुल नया नया JavaScript शुरू किया था, उस वक्त हम कहते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और जब वो हमें एलिमेंट मिलता था तो वो एक ऑब्जेक्ट होता था, JavaScript के ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलता था। फिर हम कहते थे डॉट वैल्यू डॉट इनर HTML करके हम उसमें चीज़ें आगे पीछे कर रहे होते थे। तो डॉट इनर HTML करके जब मैं उसकी इनर HTML को चेंज करता था तो फ़ौरन स्क्रीन पर चेंज होता था वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ स्क्रीन पर दिख रही है वो एक ऑब्जेक्ट है JavaScript का। तो HTML डायरेक्ट ब्राउज़र को समझ में नहीं आता है, ब्राउज़र को सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है जो JavaScript है ब्राउज़र को। अच्छा, तो शुरू में जो हम HTML लिखते थे वो भी असल में JavaScript में कन्वर्ट होता था ब्राउज़र लेवल में, हमें नहीं पता होता था कैसे हो रहा है, ब्राउज़र करता था खुद। अब यहाँ पे इसने एक और, अच्छा तो वो जो चीज़ रेंडर होती है ना JavaScript बन के, तो HTML का जो JavaScript फॉर्म होता है उसको DOM कहते हैं, ठीक है। जो हम कर रहे थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, तो ये हम जो गेट कर रहे हैं ये हम DOM पे क्वेरी चला रहे होते थे, ठीक है। तो वंस HTML कन्वर्ट हो जाती है जब JavaScript में तो वो DOM बन जाता है। अच्छा, उस DOM से हम गेट एलिमेंट करके उठाते हैं और वापस रखवाते भी हैं। तो ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना रेंडर द इक्वेलेंट HTML टू द DOM, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो HTML नहीं रेंडर करता, वो असल में क्या करता है, देखें अगर मुझे HTML पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारे काम मैं JavaScript से कर सकता हूँ ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक HTML की फाइल है जिसमें एक हेडिंग लगी हुई है H1, दैट्स इट। अब उसके नीचे एक पैराग्राफ मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो ये मैं JavaScript से कर सकता हूँ ना। मैं बोलूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, और मैं बोलूँगा बॉडी को उठाओ, और बॉडी के अंदर मैं बोलूँगा कि इनर HTML प्लस करो एक पैराग्राफ, ये भी कर सकता हूँ। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई डॉट क्रिएट एलिमेंट और बॉड पैराग्राफ डॉट एक टेक्स्ट नॉट बनाऊँ उसके अंदर रखवाऊँ। वो चीज़ें हमने एक्चुअली कवर नहीं की हैं डॉम वाली, क्योंकि वो हमें खुद से कभी करनी नहीं पड़ती, वो रिएक्ट लेवल पे हो रही होती है। तो इससे पता ये चला हमें, क्योंकि जब हम HTML लिखते हैं तो वो JavaScript में कन्वर्ट होती है, यानी कि डॉम बन जाती है वो, और फिर वो ब्राउज़र पे दिखती है, और हम JavaScript के ज़रिए डॉम पे डायरेक्ट भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर HTML ना लिखें ना तो JavaScript से हम पूरा का पूरा पेज बना सकते हैं, सिर्फ JavaScript से, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा HTML के नस्बत, लेकिन बना सकते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं ना कि इक्वेलेंट HTML जो करता है ये डॉम पे दिखाता है। तो डॉम पे दिखाने का मतलब है कि उसको जब ये चीज मिलती है ना तो ये JavaScript के जरिए वो स्क्रीन पे डायरेक्ट डिस्प्ले करवाता है। HTML बीच में आती नहीं है कहीं, HTML बीच में कहीं पे भी नहीं आती। अभी हम नीचे बता रहे हैं कि ये होता क्या है असल में। नोटिस हाउ JSX इज नॉट ए स्ट्रिंग, कह रहे हैं आप नोट करें अगर स्ट्रिंग होता ना तो डबल कोटेशन में होता इस तरह, लेकिन यहाँ डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ है। रिएक्ट इज नॉट टर्निंग दीज थिंग्स डायरेक्टली इंटू ए स्ट्रिंग ईदर, कह रहे रिएक्ट भी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा ना HTML में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, रिएक्ट क्या करेगा, कह रहे हैं कि जब आप ये बात इसको मिलेगी ना इसको, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसे डिफ, और ये एट्रीब्यूट की जगह नल, और इनर HTML की जगह ये बात लिख देगा। और इससे ये क्या करेगा, अच्छा ये ना अभी तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हो रहा है, जो प्योर JavaScript जो डॉम होता है, यानी अगर हम शुरू में अगर ये काम करते तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरह कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है तो वो HTML का डॉक्यूमेंट जिस पर हम खड़े हैं, सही है। ये रिएक्ट का एक खुद का डॉम है, रिएक्ट का एक खुद का डॉम इसने बनाया हुआ, इसको वर्चुअल डॉम कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम क्या डिफरेंस है, इनके ख्याल में जो JavaScript का जो डॉम है ना वो थोड़ा स्लो है इनके ख्याल में, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि इन्होंने खुद का एक डॉम बनाया है, इन्होंने बोला यार हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है V8 इंजन जो है वो ओपन सोर्स है, उसके अंदर क्या चीज़ कैसे हो रही है वो सब आपको पता है। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यार हम ना रिएक्ट का खुद का एक वर्चुअल डॉम है, उस पर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमें जैसा कि जब हम प्योर HTML की ऐप लिखते थे उस वक्त डॉम कैसे चल रहा है हमें नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे थे। यहाँ पे वर्चुअल डॉम में हमें कुछ नहीं करना, हम रिएक्ट का कोड लिखेंगे, वो पीछे वर्चुअल डॉम में क्या खिचड़ी पका रहा है
वो हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सम टाइम अपने इवेंट्स वगैरह में कहता है भाई परफॉर्मेंस हमारी बहुत फास्ट है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का डॉम छोड़ के खुद का अपना एक हमने डॉम बनाया है। ठीक है, तो वो ठीक है भाई, बोलने की हद तक सही है और परफॉर्मेंस ठीक है, तो भाई ठीक है, ख़त्म बात। तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह से ये डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के जरिए उसको स्क्रीन पर एंटर करवा देते हैं। दिस ऑल हैपेंस बिहाइंड द सीन, ये हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि ये हो कैसे रहा है। हमें जस्ट कोड जो है ना, ये कोड हमें पता होगा, इसके पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है ऑटोमेटिक? बेबल इज द टूल दैट डज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेबल करता है, इसको उठाता है और इसमें कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, और इन द स्टॉक क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉन्फिग वेब पैक इज व्हाट किक्स इट ऑफ। जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमने बॉयलर प्लेट बनाया ना, उसमें ये सेटिंग सारी हुई हुई है पहले से, और उसके अंदर वेब पैक नाम की एक चीज़ है, उसके ज़रिए ये सारा प्रोसेस शुरू होता है कि जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कंपाइल करता है उसको और अंदर ऐसा बना देता है, हमें दिखता ही नहीं है, हमें दिखता है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, द फैक्ट इज दैट नॉट अ स्ट्रिंग माइट सीम अनइम्पॉर्टेंट डिटेल। कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो नहीं है, इसमें डबल कोटेशन नहीं लगे हुए, ये स्मॉल डिटेल लगती है, लेकिन बट इट इज़ एक्चुअली प्रीटी कूल। यू कैन इंसर्ट अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड द जेएसएक्स टैग। कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये डबल कोटेशन इसमें नहीं लगी हुई है, ये बहुत अच्छा आइटम है, बहुत कूल है ये। इसके दरमियान में मैं कुछ जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकता हूँ, कोई वेरिएबल है मेरे पास जिसको मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं मिसाल के तौर पे कि वेरिएबल है इसमें 6 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड, और ये इधर हेलो वर्ल्ड के बाद मैं वो वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, तो ये आसानी होगी। पहले हम क्या करते थे, डॉम से उठाते थे पूरा, उसमें चेंज करते थे, फिर वापस रखवाते थे, है ना। जब भी कोई वैल्यू चेंज करनी होती थी तो हम डॉम से, जैसे कैलकुलेटर हमने बनाया था बिल्कुल शुरू में, कि एक फॉर्म होता था उसमें वैल्यू 1 वैल्यू 2 होती थी, फिर नीचे सम का बटन होता था, तो सम का बटन दबाते ही मैं क्या करता था, उन दोनों इनपुट बॉक्स में से एक एक करके वैल्यू उठाता था, फिर रिजल्ट का एक डिव होता था, वो डिव उठाता था और मैं कहता था कि डिव डॉट इनर एचटीएमएल में ये सम करके रखवा दो। तो ये लंबा प्रोसेस जो था वो अब शॉर्ट होने जा रहा है, इसी लाइन में ही मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, रेंडरिंग अब होती कैसे है भाई, ये ज़रा देख लेते हैं। द लास्ट लाइन इज वॉट मेक्स इट ऑल वर्क, इट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू कॉल हाई फंक्शन। अभी जैसा कि इसने बोला था कि हाई का फंक्शन हम नहीं कॉल करेंगे, रिएक्ट कॉल करेगा, तो वो रिएक्ट कब कॉल करेगा वो यहाँ पे बता रहा है, ये लास्ट लाइन में जो बात लिखी हुई है ना। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, कॉल द हाई फंक्शन, गेट द जेएसएक्स, वेरे जब फंक्शन कॉल करेगा जेएसएक्स मिलेगा, एंड इंसर्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एचटीएमएल एलिमेंट इनटू द डॉक्यूमेंट अंडर द एलिमेंट ऑफ आईडी रूट। कह रहे कि उसका इक्वेलेंट जो भी एचटीएमएल बनता है डायरेक्ट उसको डॉम पे डिस्प्ले करे, कहाँ पे, एक रूट के नाम से एक एलिमेंट है उसके अंदर डिस्प्ले कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा क्या हो रहा है, रिएक्ट डॉम। अच्छा, हमारे जावास्क्रिप्ट अगर प्लेन होती तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेंडर होता, लेकिन इसमें रिएक्ट का खुद का डॉम है तो ये उस पर रेंडर हो रहा है। अच्छा, रिएक्ट का खुद का डॉम एक्चुअल डॉम से बिहाइंड द सीन कनेक्टेड है, वो इन्होंने सेटिंग की हुई है, तो मैं कहता हूँ रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अपने कंपोनेंट का नाम। ठीक है, अच्छा, ये कंपोनेंट का नाम जो है ना हमेशा क्या होगा, इसका जो पहला कैरेक्टर है ये कैपिटल होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक नॉर्मल फंक्शन में और एक कंपोनेंट में दो डिफरेंसेस है। नंबर एक, उसका पहला नाम का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और वो रिटर्न करेगा जेएसएक्स। ठीक है, अच्छा, उसको जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो मैं ऐसे करके लिखूंगा एचटीएमएल की तरह, जैसे शुरू में बोला था ना इसने कि कस्टम एचटीएमएल टैग की तरह दिखेगा, तो वो ये यहाँ पे दिख रहा है इस तरह। कंपोनेंट पीछे बना दिया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस कंपोनेंट को रेंडर करो, कहाँ पे रेंडर करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और रूट के नाम से कोई एक है डिव कहीं बना हुआ मेरे पूरे, जाहिर है एचटीएमएल की ऐप है ये एट द एंड, तो एचटीएमएल पे कहीं पर रूट के नाम का डिव बना हुआ है, कह रहा है उस डिव के अंदर इसको डिस्प्ले करो, डॉट इनर एचटीएमएल करके या कुछ करके जैसे भी। कह रहा है ये वाला जो कोड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस पे वाला, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हाई वाला पार्ट था इतना, ये क्या बन जाएगा,
ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बन जाएगा हाय। रिएक्ट के डॉम पे एचटीएमएल हाय के इक्विवेलेंट जो भी होगा वो कन्वर्ट करेगा। वेल अच्छा, फिर ये खुद यहाँ से गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वो पूरा जेएसएक्स आ जाएगा और वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो खैर अब इसने थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश की है इसको, अब किस हद तक ये आपको समझ आया आई एम नॉट श्योर, तो अभी देखते हैं आगे चल के आपके सवालात मुझे बताएंगे कि किस हद तक आपको समझ आई है बात। अच्छा, आई वॉन्ट यू टू शो दिस इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये जो इसने कह रहा है कन्वर्जन करके जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं दो रीजंस की वजह से दिखा रहा हूँ। नंबर एक, दिस इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट, कह रहा है एट द एंड जो भी आप लिख रहे हो ना वो जावास्क्रिप्ट ही है, वो कुछ बाहर की चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा, यू डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट रिएक्ट डज, आप कंपोनेंट जो बनाते तो हैं आप लेकिन कॉल आप नहीं करते, वो फंक्शन रिएक्ट खुद कॉल करता है। और कैसे कॉल करता है, जब आप हाई को ऐसे लिखते हैं ना टैग बना के लिखते हैं तब कॉल करता है। ठीक है, अब आ गया योर टर्न। अब योर टर्न में क्या चीज़ है भाई, नाउ दैट यू हैव अ प्रोजेक्ट इन प्लेस यू कैन प्ले अराउंड, मेक श्योर टू एक्चुअली ट्राई दीज एक्सरसाइजेस, अभी आप ये एक्सरसाइज करेंगे सब लोग, इवन इफ दे सीम रियली सिंपल, इवन यू आर 99% श्योर दैट यू नो हाउ टू डू दैट, प्रूव इट टू योर सेल्फ बाई टाइपिंग इट आउट। क्या है भाई, चेंज द टेक्स्ट हैलो वर्ल्ड टू से हैलो और आपका आगे नाम, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। कह रहे हैं कि आप ना अपने नाम को बोल्ड करें, उसको स्ट्रॉन्ग के टैग में रैप करके, क्योंकि जे एस एक्स में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एच टी एम एल में होती हैं, यानी एच वन, पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग, ये सब उसमें मौजूद है। तो स्ट्रॉन्ग लगा के उसको आप ट्राई करें इन साइड द डिव एंड अंडर द नेम, कह रहा है कि कुछ मजीद एच टी एम एल आप लिखो, देखो क्या होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट का कोड भी लग जाता है, तो कह रहे हैं कि आप ना उस जे एस एक्स के दरमियान में ये ऐसे लिख के देखो कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि फिर आप इसमें सी एस एस भी लगा लो थोड़ी सी, आप वॉन्ट टू स्टाइल इट विद सी एस एस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लास प्रॉपर्टी लाइक यू वुड इन एच टी एम एल, यूज क्लास नेम प्रॉपर्टी, यानी एट्रीब्यूट आप लगाते थे ना क्लास, इस पर कौन सी अप्लाई कर दो तो उसकी जगह क्लास नेम बन जाएगा ये। देन क्रिएट अ फाइल, कह रहा है इधर जाके ना इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से एक फाइल बनाओ, उस फाइल को किधर इम्पोर्ट करोगे आप, जहाँ पर सारी कोडिंग कर रहे हो वहाँ इम्पोर्ट करोगे आप। ठीक है, इस सी एस एस में जो भी कुछ लगाओगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बस इतना करो, जब ये हो जाए तो फिर हम, मुझे बताना, फिर हम आगे का देखेंगे क्या करना है। हो जाएगा, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ सब लोग।